नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अंग्रेजों के जमाने से उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन अंबाला अब सूना दिखाई देने लगा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का असर इस रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ से उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम भारत के इलाकों के लिए 250 से ज़्यादा रेलगाड़ियों का प्रचलन होता था, जो आज लॉकडाउन के चलते अब इस स्टेशन से रोज़ाना केवल 8 से 10 रेलगाड़ियां का प्रचलन ही हो रहा है। अब तो इक्का दुक्का सवारी ही यहां से गुजरती है, लेकिन जीआरपी और आरपीएफ के जवान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। अंबाला एक मशहूर सैन्य छावनी के साथ यहां रेलवे का डीआरएम दफ्तर होने के साथ लड़ाकू एयरबैग्स भी है। 15 अगस्त के मद्देनज़र यहां दुश्मन देशों की नज़र रहती है और कई जासूस भी पकड़े जाने के साथ यहां बम ब्लास्ट के साथ आरडीएक्स भी पकड़ा गया, जिससे स्टेशन को उड़ाने की साजिश होती रहती है। हालांकि यह स्टेशन चारों तरफ से खुला होने के साथ इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीआरपी व आरपीएफ के जवान सिविल ड्रेस व वर्दी में सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जीआरपी थाना प्रभारी का कहना है कि कोरोना की वजह से अभी 5 महीने से रेलगाड़ियों की आवाजाही कम है और यात्री की संख्या भी खासी कमी आई है, मगर वे 24 घंटे स्टेशन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यहां आने जाने और सीसीटीवी कैमरों से पैनी नज़र रखी जा रही है। यहां आने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जाती है और यात्री स्टेशन में प्रवेश करता है उसके सामान की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जांच होती है कि वहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं ले जा रहा। समय समय पर डॉग स्क्वाइप टीम पार्सल कार्यालय यात्रियों के सामान की जांच करते हैं। स्टेशन पर मेंटल डिक्टेटर बारे पूछने पर बताया कि अभी यात्री कम होने से 2 ही रास्ते खुले हैं और रेलवे के लोग भी यात्रियों की जांच करते हैं। स्टेशन के बाहर और अंदर भी सुरक्षा चाक चौबंद है, यहां परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मैं सब इंस्पेक्टर चंद्र भूषण फोटो रह सकते हो यहाँ लुक्त लेकिन लाइविन है। और 15 अगस्त के रिगार्डिंग हमने ज्वाइंट चेकिंग शुरू की हुई है आरपीएफ के साथ लेकर, मैं भी समय समय पर खुद भी चेक करता रहता हूँ। आज भी चेकिंग के सिलसिले में हम लोग यहाँ से आप गए, ट्रेनों की संख्या बहुत कम है, तकरीबन 8 गाड़ियाँ आप लोगों की यहाँ से है और यात्रियों की संख्या भी कोई सारा दिन में कोई 400-500। हमने यात्रियों के आने के लिए अलग है और जाने के लिए अलग एक व्यवस्था की हुई है। कोई भी आदमी कोई अनवांटेड ना घुस जाए उसके लिए हमने स्कैनर लगवाए हुए, उसके लिए भी समय समय पर हम लोग पैकिंग करते रहते हैं। डॉग स्क्वाड हमारे CID ने प्रोवाइड करवा रखा है इस सबको लेकर।
स्पेयर ट्रेन हमारी अम्बाला से निकल रही हैं, तो यात्रियों का आवागमन स्टार्टिंग में तो थोड़ा था ज़्यादा, मगर अब तो नॉर्मल हो गया है, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है फिलहाल। बट यात्रियों को सुविधा तो है, इंटरेस्टेड जाने के लिए सुविधा तो है। टोटल करीब 90 कैमरेज अभी फर्स्ट फेज में, फाइनल फेज में लगने हैं। अभी प्रेजेंट फर्स्ट फेज में 47 कैमरेज का प्रोग्राम किया जा रहा है। कैमरों का इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है, अभी कंप्लीट होने पे ही कमिशनिंग किया जाएगा। देखिए फिलहाल तो हम लोगों ने स्टेशन को वैसे ही तीन मोड में कर रखा है, एक एंट्री एक एग्जिट बना रखा है और आरपीओ जीआरपी की काफ़ी तैनाती कर रखी है, तो सिक्योरिटी एंगल से इतना कोई अभी विशेष नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर ही एंट्री पॉइंट पर ही लोगों को चेक कर रहे हैं।